मास्टरमाइंड समेत कुल 6 गिरफ्तार। चार्ल्स डल्टन से अधिक फर्जी यूनिवर्सिटी डिग्री का हुआ खुलासा। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रुप सी के सामान्य ज्ञान के पेपर के लीक में पुलिस ने अपनी कार्रवाई और अधिक तेज कर दी है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में बुधवार को पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और भूपेंद्र सरन से जुड़े लोगों पर छापेमारी की है, जिसमें पुलिस ने भूपेंद्र सरन की प्रेमिका और पत्नी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से कड़ी पूछताछ की है, जिसमें पुलिस को कई अधिक नए खुलासे का पता चला है। उदयपुर पुलिस ने पेपर लीक मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। यही नहीं, छापेमारी के दौरान पूछताछ में पुलिस को आरोपियों से कई बड़े खुलासों का पता चला है। पूछताछ में पुलिस को 4 दर्जन से अधिक फर्जी यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल हुई है। इसके अलावा उन्होंने आरोपियों से कई मार्कशीट भी बरामद की है। इस बात की सूचना जयपुर के पुलिस कमिश्नर ने दी है। हालांकि इससे पहले भी उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पेपर लीक गिरोह और उससे पेपर खरीदने वाले अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया था। इसके अलावा उदयपुर पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 55 लोगों की गिरफ्तारी की थी। वहीं जांच के दौरान कई तथ्य ऐसे भी सामने आए हैं जिससे पहले समय में हुए पेपर भी संदेह के घेरे में आने लगे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे में पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द कर मामले की CBI से जांच करानी चाहिए, क्योंकि पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार के कई प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता भी शामिल हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने आगे यह भी कहा था कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो मैं जनता के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ अभियान शुरू करूंगा।